नसीब शहर में बैठे हुए हैं कि जिसके टैक्स से पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड्स आबाद हैं, मोटरवे से लेकर और बागात तक इसी के दिए जाने वाले टैक्स से आबाद हैं, शादाब हैं। और इस शहर के स्कूल हों, अस्पताल हों, वो भी इस शहर के टैक्स से नहीं चल रहे। टैक्स देने के बाद यहाँ के मुखय्यर हजरात, यहाँ के अस्पताल, स्कूल, बहुत सारे इदारे और तालीमी इदारे के साथ साथ खेलों के मैदान तक यही के मुखय्यर हजरात टैक्स देने के बाद अपनी जेब से इन चीज़ों को आबाद रखेंगे। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मुतासिब और नस्ल परस्त हुकूमत, जिसने हमारे शहरों में मुतासिब, करप्ट और नस्ल परस्त ऑफिसर्स लगा दिए, जिन्होंने शहर को उन इलाकों तक, उन इलाकों जैसा बना दिए जहां से ये आए हैं, जहां पर एक पाई भी टैक्स देना या एक पाई भी खैरात देना उसका कोई तस्वुर ही मौजूद नहीं है। रफाई कामों का कोई तस्वुर ही मौजूद नहीं है इनके कल्चर में। मैं बहरहाल यहाँ आबाद, यहाँ तायनात, यहाँ मुसल्लत सिंध इंतजामिया के तमाम करप्ट और इस शहर से बाहर के अफसरों को मुतनब्बे कर रहा हूं। एक तो मैं धारे जो साहब कहता हूं, दोबारा आप इस ग्राउंड में आप नहीं आने चाहिए। आप किसकी इजाजत से आ रहे हैं? आपके बाप का है? आप वहां वापस जाएंगे जहां के हैं, यहां नहीं रहना दिया जाएगा आपको ज्यादा से। और कराची की ग्राउंड से भी पैसा कमाने का और रिश्वत लेने का ये सिलसिला बंद करें आप। कराची आपके बाप का नहीं है, ना आप यहाँ पर अब ज्यादा अरसे बदमाशी कर सकते हैं, ना इस ग्राउंड में आए, ना दूसरे ग्राउंडों को दोबारा हड़प करके अपने लोगों को देने की कोशिश करें। इसके बाद भी आपने इस तरह की एक्टिविटी की